बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठा है, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर, शिव का अनुमोदन कर, शंकर का भजन कर, शिव नाम का स्मरण कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया, सबसे ज्यादा खुशी इस बात। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यही रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो, हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया, खुशी इस बात की है। हिम्मत ना हारिएगा, हारिया ना हिम्मत विसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए, फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए, फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही। ये काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी।